दोस्तों, मेरा नाम दीपक कुमार है और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए वर्कशीट नंबर 57। आज की जो वर्कशीट रहेगी क्लास 6 to 8 के लिए है और आज की डेट है 9 सितंबर 2020। बच्चों, ये वर्कशीट बड़ी ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है आपकी, जिसमें आपके बारे में पूछा गया है कि भाई आप डेली एक्टिविटीज़ में क्या क्या करते हैं, डेली का रूटीन आपका किस तरह सा रहेगा, आप सुबह से लेकर के रात को 8 बजे तक क्या क्या काम करते हैं, ये सब आपको इस वर्कशीट में शो करना है। ठीक है बच्चों, चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी वर्कशीट को। ऊपर लिखा है डेट, मतलब तारीख, कि भाई हमें किस दिन में किस डेट में क्या काम करने हैं, उस तरह से हमें अपने डेज को प्लान करके चलना है। चलिए देखते हैं क्या लिखा है। ए वेल प्लान्ड डे नेवर गोज वेस्टेड, कि भाई अगर आपने एक अपने डे को अच्छे से प्लान किया हुआ है तो वो डे आपका ख़राब नहीं होगा। तो हमारे वीक में, एक वीक में कितने डेज होते हैं? 7 डेज होते हैं, जैसे कि संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। तो इन 7 दिनों का आपको एक डेली का रूटीन बनाना है कि भाई आप सुबह से लेकर के शाम तक क्या क्या काम करते हैं। तो हमें डेली रूटीन का कुछ टाइमिंग हमें दिया है, तो इन टाइमिंग्स में आपको ये अपना डेली रूटीन फिल करना है। तो अभी मैंने अपना रूटीन आपको सॉल्व करके दिखाया है, तो वो आप देखेंगे। पहले हम इस वर्कशीट को अच्छे से पढ़ लेते हैं कि हमें क्या क्या दिया गया है। चलिए देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें इसमें पूछा है कि भाई हेल्थ एंड फिटनेस, कि भाई आपके जो हेल्थ और फिटनेस के लिए आप क्या काम करेंगे। तो भाई हमें यहाँ पे बताया गया है कि रिकमेंडेड 8 ग्लासेस ऑफ वाटर, कि भाई 8 ग्लास पानी आपको पीना पड़ेगा। ठीक है, कि अगर आपको अच्छी अपनी हेल्थ रखनी है तो कम से कम 8 ग्लास पानी आपको डे में, फुल डे में आपको पीना पड़ेगा। तो जैसे आप पहला गिलास पियेंगे तो इसके ऊपर टिक लगाएंगे, दूसरा पियेंगे तो फिर टिक लगाएंगे, तीसरा पियेंगे तो टिक लगाएंगे, चौथा पियेंगे तो टिक लगाएंगे। इसी तरह से आपको 8 गिलास पर टिक लगाना है, जिससे आपको पता रहेगा कि भाई हमने आज इतने ग्लासेस पानी पी लिया है। ठीक है, और इसी के साथ साथ में हमें फुल डे में, मतलब मॉर्निंग में, इवनिंग में, आप कभी भी 30 मिनट, कम से कम 30 मिनट की जो एक्सरसाइज आपको एक्सरसाइज करनी होगी, ये डेली का आपका रूटीन में आना चाहिए। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया गया है। 3 थिंग्स आई एम ग्रेटफुल फॉर टुडे, कि भाई 3 थिंग्स जो ऐसी बतानी है, 3 चीज़ें ऐसी बतानी है जिसके लिए मैं आज बड़ा ही खुश हूँ। ठीक है, तो ये मैंने अभी सॉल्व करके बताया है, अभी हम देखेंगे। पहले हम वर्कशीट को पढ़ रहे हैं, किस तरह से हमें वर्कशीट पूछी गई है। तो देखते हैं बच्चों आगे क्या लिखा है। आगे दिया गया है वी मस्ट डू, कि भाई हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए, हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए। तो सबसे पहले हमारे दिमाग में यही आता है कि भाई हमें अपने पेरेंट्स की बातों को मानना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम सीधा सिंपल लिखेंगे, वी मस्ट डू ओबे आवर पेरेंट्स। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम इसका आंसर लिखेंगे। ठीक, चलिए आगे आगे का देखते हैं, आगे क्या लिख दिया गया है कि भाई टुडेज मूड, कि भाई आज का मेरा मूड कैसा है। कि भाई कोई बच्चा खुश हो सकता है, कोई बच्चा दुखी हो सकता है, कोई बच्चा सरप्राइज हो सकता है, तो वो रीज़न आपको उसका साथ में बताना पड़ेगा। ठीक है, तो देखते हैं नीचे क्या दिया गया है। टेक द मूड यू आर इन एंड स्टेट्स इट्स रीजन, कि भाई इसमें से कोई भी मूड आपका है उसका आपको मूड बताना है और उसके साथ में रीजन बताना है। कि भाई जैसे अगर हैप्पी है तो क्यों है, सैड है तो क्यों है, एंग्री है तो क्यों है, सरप्राइज्ड है तो क्यों है। ठीक है, इसी तरह से आपको ये बताना है। तो चलिए अब मैं आपको ये वर्कशीट को सॉल्व करके दिखा रहा हूँ कि भाई मैंने किस तरह से अपना डेली का रूटीन बनाया है, किस तरह से मैंने 3 थिंग्स लिखी है जो जिसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ, और मूड के बारे में मैं इसमें आपको बताऊँगा। ठीक है, देखते हैं। तो देखो बच्चों, मैंने अपना डेली का रूटीन बनाया है, तो सबसे पहले मैं मॉर्निंग में क्या करूँगा कि भाई 6 बजे मैं उठूँगा। सबसे पहले मॉर्निंग में 6 o'clock मैं उठूँगा, फिर मैं ब्रश करूँगा अपने दांतों को, फिर मैं एक्सरसाइज करूँगा। ठीक है, 6 बजे उठ करके पहला, सबसे पहला काम मेरा यही रहेंगे। उसके बाद मैं क्या करूँगा बच्चों, फिर मैं 7 बजे उठ करके, मतलब उठ करके 6 बजे सब चीज़ ऊपर कर लिया, फिर नीचे मैं 7 बजे में क्या करूँगा, नहाऊँगा। फिर उसके नहाने के बाद मैं क्या करता हूँ कि भाई नाश्ता करूँगा, ब्रेकफास्ट करूँगा। ठीक है, 8 बजे। ठीक, तो आगे बच्चों मैं क्या करूँगा,
नाइन्थ के 9 o'clock पे मैं करूँगा मैथ और इंग्लिश की स्टडी। किसकी स्टडी? मैथ्स एंड इंग्लिश की स्टडी। कब? 9 बजे मैं उठ कर ये करता हूँ। फिर मैं 10 बजे मैं क्या करता हूँ, इंडोर गेम्स खेलता हूँ अपने भाई बहन के साथ। 11 बजे फिर मैं स्टडी करता हूँ हिंदी, साइंस और SST की। फिर 12 बजे मैं लंच करूँगा अपनी फैमिली के साथ में। फिर 1 बजे मैं टीवी देखना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? तो बच्चों 2 बजे मैं करूँगा होमवर्क अपना जो मुझे टीचर्स ने दिया है। 3 बजे मैं अपने मम्मी पापा की जो हेल्प कराऊँगा। 4 बजे मैं चाय पीऊँगा और गॉसिप करूँगा। 5 बजे डांसिंग, सिंगिंग, प्लेइंग, बैडमिंटन, लूडो, कैरम, कुछ भी जो भी आपको खेल अच्छा लगता है वो आप इस तरह से यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो मैं बच्चों बैडमिंटन खेल लेता हूँ कभी कभी, लूडो खेल लेता हूँ, कैरम खेल लेता हूँ, ठीक है? 5 बजे ये मेरा डेली का प्लान रहता है। तो फिर बच्चों मैं क्या करता हूँ, 6 बजे मैं रिवाइज माई ऑल होमवर्क ट्वाइस, कि भाई मैं दोबारा से जो मैंने सुबह पढ़ा है उसको मैं रिवाइज करता हूँ। फिर 7 बजे मैं डिनर करता हूँ और फिर 8 बजे सोने से पहले मैं स्टोरी को पढ़ता हूँ। तो बच्चों अब नेक्स्ट करते हैं हम, आई एम ग्रेटफुल टू हैव 3 थिंग्स टूडे, कि भाई थर्ड क्वेश्चन हमारा था कि भाई हमें जो है ऐसी 3 चीज़ें बतानी जिसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ। तो मेरी जो 3 चीज़ें हैं जिसके लिए मैं ग्रेटफुल हूँ वो मैंने यहाँ पे बताई है कि भाई आई एम ग्रेटफुल टू हैव दीज 3 थिंग्स टूडे, कि भाई मैं मेरी जो 3 चीज़ें हैं जिसके लिए मैं खुश हूँ वो है, पहली टू हैव माई पेरेंट्स विद मी ऑलवेज, कि भाई मेरे साथ में मेरे पेरेंट्स हैं हमेशा, ठीक है? और आगे टू हैव सो लर्न एंड केयरिंग टीचर्स, कि भाई मेरे साथ में बहुत ही सिखाने वाले और केयरिंग करने वाले टीचर्स भी हैं, ठीक है? आगे टू हैव माई डियर फ्रेंड्स, और मेरे साथ में मेरे प्यारे मित्र भी हैं। तो बच्चों अब नेक्स्ट हम कर रहे हैं मूड के बारे में, जो हमारा क्वेश्चन था कि भाई हमारे डेली का जो मूड रहेगा वो किस तरह से रहेगा। तो मैंने अपना मूड बताया कि भाई मैं हैप्पी हूँ, ठीक है? हैप्पी का मूड बताया और इसका मैंने रीज़न दिया है वो क्या है। आप भी इसी तरह से आप अपना मूड बताएंगे और उसका रीज़न देंगे। तो देखते हैं मैंने अपना रीज़न क्या दिया है। टुडे आई एम वेरी हैप्पी, मैं आज बहुत खुश हूँ बिकॉज़, यहाँ के बाद मैंने अपना रीज़न बताया है, बिकॉज माई इंग्लिश टीचर प्रेज्ड मी फॉर डूइंग माई होमवर्क ऑन टाइम, कि भाई मेरी इंग्लिश के जो टीचर हैं उसने उन्होंने मुझे प्रेज़ किया है, मतलब शाबाशी दी है कि भाई क्यों मैंने अपना जो काम किया है वो ऑन टाइम किया है, ठीक है? आगे देखते हैं, ऑल फ्रेंड्स ऑफ माई क्लास गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज ऑफ और फॉर मी, कि भाई सभी जो मेरे फ्रेंड्स थे उन्होंने, जो मेरी क्लास के जो फ्रेंड्स थे उन्होंने मेरे लिए तालियां बजाई, ठीक है बच्चों? तो यहाँ पे मेरी वर्कशीट जो है, हमारी जो वर्कशीट है वो कंप्लीट होती है। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? मेरी वीडियो को आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूले।